नमस्कार इंजीनियर्स, हमारे YouTube चैनल ECM ट्यूटोरियल्स पर आप सबका स्वागत है। आज के इस ऑटोकैड के वीडियो में हम ग्रेडियंट ड्राइंग बनाना सीखेंगे विद डिटेल इन इजी वे। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखना, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड यूनिक वीडियोज़, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोज़ लाते रहूँ। तो आते हैं अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पर। अब यहाँ पर जब आते हैं तो देखते हैं कि ये हमारा जो ऑटोकैड का इंटरफेस है, ये मतलब इसका बैकग्राउंड है, ये चेंज है, मतलब वाइट पे हमें किस में चाहिए, ब्लैक में चाहिए, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। मैंने प्रीवियस में कुछ वर्क किया होगा जिसमें मैंने मतलब इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम एक और नई चीज़ सीख सकते हैं यहाँ पे कि हम इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑटोकैड के आइकन पे ये एप्लीकेशन मेन्यू बार होता है, ठीक है ना, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, थोड़ा धीरे काम करता है, ठीक है। अब क्लिक करते तो एक विंडो ओपन होकर आती है, ठीक है, नीचे मतलब ये पुल होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप कोई न्यू पेज लेना है, उसको ओपन करना है, पेज को सेव करना है, सेव एज करना है, ठीक है, उसको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, पब्लिश करना है, प्रिंट करना है, ठीक है, ड्राइंग यूटिलिटीज जो भी आपकी ड्राइंग यूटिलिटीज है, ठीक है, यूनिट ऑडिट जो भी, और क्लोज करना है मतलब एप्लीकेशन को, मतलब ड्राइंग को आपको क्लोज करना है तो। और यहाँ पे नीचे आते हैं एकदम बॉटम में ऑप्शन, ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा मैं तो एक विंडो ओपन होकर आएगी, ठीक है ना, देखिए ये सिंपल सी विंडो ओपन होकर आई ऑप्शन, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं आपके। ये डिस्प्ले टैब पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे कलर का ऑप्शन आया, नीचे कलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्योंकि मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। अब कलर के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया मैंने, अब कलर के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए व्हाइट आ रहा है, इसको हमें क्या करना है, ब्लैक करना है, जो भी चाहते हैं, येलो, ग्रीन, रेड, कुछ भी आप उसके ऊपर चेक कीजिए, मतलब क्लिक कीजिए, वो चेकआउट हो जाएगा और आप वो कर सकते हैं, ठीक है, चेंज। अब मान लीजिए मुझे यहाँ ब्लैक करना है, देखिए प्रीव्यू दिखा दिया कि ये ब्लैक हो गया, एंड देन लास्ट में बॉटम पर आना नीचे एकदम, अप्लाई एंड क्लोज, अप्लाई एंड ओके, तो ये आपका चेंज हो गया, ठीक है, ऑटोकैड की स्क्रीन आपकी चेंज हो गई, वाइट से ब्लैक हो गई, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक ग्रिड मोड में क्या करता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, और ये आपका आइकन है, ठीक है। अब इस आइकन को हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, UCSICON एंटर एंड एंटर। देखिए अभी एन का ऑप्शन नहीं आया था, ये अभी ये थोड़ा प्रोसेस में था क्योंकि ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है, कोई बात नहीं, क्या करेंगे हम UCSICON एंटर एंड एंटर, ठीक है, अभी फिक्स हो गया आपका। अब अपने डायग्राम में देखते हैं हमें क्या करना है। अब डायग्राम में देख रहे हैं तो ये काफ़ी सिंपल सी ड्राइंग है आपकी, लेकिन बट इसके अंदर आपको कमांड्स की नॉलेज चाहिए। अब ये होता है कि आप उस ड्राइंग को आप कितनी जल्दी बना रहे हो, उसके लिए आपको क्या होंगे, कमांड की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, एडवांस नॉलेज होनी चाहिए। एडवांस मतलब आपको ऐसी ऐसी मतलब कमांड्स मालूम होनी चाहिए जिससे कि आप मतलब काम को ईजी वे में और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ कर सके, ठीक है ना। लोग यही चेक करते हैं कि आप उसको ड्राइंग को कितनी जल्दी बना रहे हो, ठीक है, नहीं बनाने को तो कोई भी बना सकता है, लेकिन आप उसको कितनी जल्दी बना रहे हो। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉटम से चलते हैं। तो पहले ये सर्कल ड्रॉ करेंगे, कितने का, 34 डाय, तो उसका आधा लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये रेडियस स्पेसिफाई करता है। फिर 60 डाय, 30 रेडियस, ठीक है, 34 का हाफ कितना होगा आपका, 34 17, ठीक है, तो 17 का सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर एक 30 का सर्कल ड्रॉ करेंगे, और उसके सेंटर पॉइंट से ऊपर जाएंगे कितना, 90, ठीक है, पहले 20 इधर चलेंगे, फिर सेंटर पॉइंट है ऊपर 90 पे, ठीक है, तो हमें इसका सर्कल का सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक 12 का 12 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे, और फिर एक 54 का आधा उसका सर्कल ड्रॉ करेंगे उतने रेडियस का, ठीक है। फिर उसके बाद से हम इधर चलेंगे, कितना चलेंगे, 20+45 हम ऐड कर देंगे, ये सेंटर मिल जाएगा हमें, यहाँ पे हम 20 रेडियस एंड छोटे वाला कितने का आपका, 9 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे, और इनको फिर हम यहाँ पे टेंजेंट और रेडियस की वैल्यू, सिमिलरली टेंजेंट रेडियस की वैल्यू, और यहाँ पे इसको लाइन को क्लोज कर देंगे, ठीक है दोनों। फिर लास्ट में इसको ग्रेडियंट से, ग्रेडियंट कमांड का यूज़ करके इसको कलर फिल कर देंगे, ठीक है। ग्रेडियंट क्या होता है, कलर मिक्सिंग होता है आपका, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद से मैं लास्ट में आपको इसकी एक दो डायमेंशन बताऊँगा, दिखाऊँगा, ठीक है। जैसे मैंने कम पीछे की दो तीन वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना, अगर मैं पूरी बताने लगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में पूरा डिटेल में जानना है कि मतलब ये कैसे क्या काम करता, मतलब आप इसकी डायमेंशन देने के लिए, ठीक है, अगर आप पूरा प्रॉपर में देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर एक आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों ड्रॉ करते हैं। पहले हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे, 17 डिग्री से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो हम सर्कल के लिए क्या करते हैं, कमांड एरिया में, ये कमांड एरिया होती है आपकी। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे सी, सी एंटर करते हैं। अब जैसे ही मैं सी एंटर करता हूँ, इसने क्या पूछा, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, ठीक है। अब मैंने सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई अपने वर्किंग, ये होता है आपका ड्राइंग एरिया, वर्किंग एरिया, ठीक है ना। तो वर्किंग एरिया में कहीं भी क्लिक कर दूंगा तो मेरा सेंटर, पहला सेंटर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके सेंटर पॉइंट से मैं कोई सर्कल लाइन, मतलब कितनी डिस्टेंस चली है, वो सब मैं करूंगा, ठीक है, स्पेसिफाई करूंगा अपना। अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। अब जो ये सर्कल है, अब सर्कल तो आप जानते हो उसके क्या पैरामीटर होते हैं, एक तो डाया होता है और दूसरा उसका रेडियस। रेडियस क्या होती है, हाफ लेंथ, डाया क्या होती है, फुल लेंथ। तो हमें उसके यहाँ पे रेडियस बोल रहा है, ठीक ना। अगर डाया, अगर डाया मालूम हो तो डाया के लिए आप क्या करेंगे, डी एंटर करेंगे। बट यहाँ पे हम रेडियस से, रेडियस पूछ रहा है, रेडियस मालूम है मैं कितनी है, 17, और यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। फिर मैं दोबारा एंटर करूंगा तो उसी कमांड में आ जाऊंगा, ठीक है। दोबारा एंटर किया हमने, उसी कमांड में आ गए। अब देखिए सेंटर पॉइंट कैसे आएगा, जैसे मैं इसके आउटर फेरी पे जाऊंगा, ये एक सेंटर शो करेगा, प्लस का सिंबल। अब उस प्लस के सिंबल पे जैसे हम अपना, मतलब कर्सर ले जाकर रखेंगे, ये थोड़ा सा मतलब ऐसा, मतलब ये सर्कल सा एक और सर्कल बन जाएगा उसके अंदर ग्रीन कलर का। तो और नीचे ग्रिप में आएगा, नीचे एक बॉक्स बना हुआ आएगा, उसमें लिखा आएगा सेंटर, ठीक है। तो ये इस सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छी बात होती है, मतलब ये ट्रैकिंग बोर्ड ने, कि ये खुद बताता है कि आपको काम करना कैसे, कितनी, मतलब, ठीक है ना। तो फिर मैं सी एंटर करता हूँ, दोबारा क्लिक करते हैं, उसमें स्पेसिफाई करेंगे सर्कल का रेडियस कितना रखना है हमें, देखते हैं। 60 है, 30, 30 रेडियस, 60 क्या है उसका, डाया है। देखिए डाया का सिंबल क्या होता है आपका, ये फाइव बना होता है, ठीक है। ये फाइव, इसका मींस ये आपका डायमीटर है, डायमीटर मींस फुल लेंथ। उसकी आधी कितनी जाएगी, था हमें मतलब सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 30, और सेंटर पूरी फुल डिस्टेंस पेरीफेरी से लेके इसके पेरीफेरी तक की डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, 30। तो ये 30 की हो गई हमें, सॉरी 60, में ये 30 का रेडियस हो गया आपका। अब मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे मेरा बॉटम हो गया, मुझे टॉप का जो दोनों सर्कल दिख रहे हैं मुझे टॉप पे, ये दोनों सर्कल ड्रॉ करने हैं, ठीक है ना। ये मतलब ये सर्कल और इधर के सर्कल ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो हम ये कैसे करेंगे, मुझे इसके सेंटर पॉइंट तक जाना है। तो इसके सेंटर पॉइंट तक जाने के लिए मुझे मालूम है दूरी दी हुई है मेरी 20, ये तो हॉरिजॉन्टल में हो गई, ठीक है आपकी। और वर्टिकल में ऊपर हम चलें कितना, 90, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में 20 और वर्टिकल में 90 हम डिस्टेंस चलते हैं। तो डिस्टेंस चलने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन कमांड का यूज़ करेंगे। तो लाइन की शॉर्ट की होती है आपकी एल एंटर, मैंने एल एंटर किया, और मैं लाइन कहाँ से चलूंगा, इसके सेंटर से, सेंटर पर क्लिक कर दूंगा तो लाइन मेरी वहाँ से जुड़ जाएगी। अब मैं यहाँ से ऑर्थो मोड ऑन करता हूँ। ऑर्थो मोड देखो ऑन करने के लिए आप क्या होती है, फंक्शन की होती है F8। अगर मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड से F8 टाइप करता हूँ तो ये देखिए मेरी लाइन एकदम स्ट्रेट हो गई। 0 डिग्री पे अगर मैं सेंटर पॉइंट से अगर माउस को ड्रैग कराऊंगा राइट में तो ये जाएगा 0 डिग्री, ठीक है ना। अगर लेफ्ट में कराऊंगा तो ये देखिए 180 डिग्री बना हुआ आया, ये बॉक्स में आप देख पा रहे हैं ना, 155, 157 डिस्टेंस है और एंगल 180 डिग्री है आपका। और अप में जाता हूँ तो 90 डिग्री, और डाउन में जाऊँगा तो 270, ठीक है। तो हमें इधर 0 डिग्री पे चलना है कितना, 20, और एंटर कर देंगे, ठीक। फिर यहाँ से ऊपर कितना जाना है मुझे, 90, और एंटर कर देंगे, ठीक। फिर मैं एस्केप करता हूँ या फिर मैं एंटर कर दूंगा। फिर सर्कल ड्रॉ करेंगे कितने का, देखते हैं अपने डायग्राम में, 24 डायस, 12 रेडियस एंड 54 डाया का है। तो 12 रेडियस एंटर करेंगे और 54 को हम हाफ करेंगे, डिवाइड बाई 2। तो कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं यहाँ पे हम, 54 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स 27। तो एक 27 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे, 27 एंटर। अब देखिए यहाँ पे हम मिरर कमांड का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम देख रहे हैं ये सिमेट्रिक नहीं है। देखिए ये सर्कल थोड़ा बड़ा है और ये सर्कल छोटा है, क्योंकि इसका, इन सब का डाया है, डिफर है इनका भी, देखिए दोनों का, ठीक है, 40 का और एक 18 का है, तो यानी 9 रेडियस का हो गया आपका। अब पहले उसके सेंटर पॉइंट तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसके सेंटर पॉइंट तक जाने के लिए हमें डिस्टेंस दी हुई है। पहले तो हम इसके सेंटर से थोड़ा आगे चलेंगे तो हमें 20 मिलेगा, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ नीचे आके 45 चलेंगे, ऊपर 90 चलेंगे, तो ये सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं है, तो बस मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, आपको मालूम पूरी बात है। तो 20 20 प्लस 45 हम ऐड करते हैं, कितना है आपका डिस्टेंस, 20 एंड 45, ठीक है दोस्तों। अगर मैं थोड़ा ये तेज बोल रहा हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूँ, ठीक है, 65। फिर मैं एल एंटर करता हूँ और ये डिस्टेंस हमने लिए, पॉइंट ऑरिजिन पे क्लिक किया वहाँ, सॉरी मतलब सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया तो हम वहाँ से जुड़ गए। अब कितना डिस्टेंस चलेंगे, 45,
नहीं 65, ठीक है, एस्केप करते हैं, ये आ गया 65, एंटर। फिर मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा, कितने का है, 9 रेडियस का एक, और एक कितने का ड्रॉ करना है आपको ड्राइंग में देखते हैं, 40 यानी 20 रेडियस, 20 एंटर, ठीक। अब मुझे जिन लाइनों को नहीं देखना उनको मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। अब देखिए ये लाइन तो मेरी क्या है, सिंगल थी, तो मुझे ट्रिम करना नहीं, मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई। अब साथ में मैं इसको भी मुझे सेलेक्ट करना है और डिलीट, ई एंटर, ठीक है, अभी डिलीट हो गया। अब मुझे लास्ट में कौन सी कमांड यूज करनी है इनके अंदर, मैं अपने डायग्राम को देखता हूँ पहले, बहुत ही ईजी है, ठीक है। टेंजेंट, टेंजेंट इस पॉइंट देखिए, इस सर्कल से स्पर्श हो रहा है, इससे स्पर्श हो रहा है, और रेडियस की वैल्यू में दी हुई है 70, तो मैं करता हूँ, ठीक है दोस्तों। और देखिए कैसे आपको स्पर्श करना है, अगर आप ये सर्कल देखिए कैसे जा रहा है, ये मतलब आर कैसे लगी हुई है, ये थोड़ा ऊपर के टाइप में लगी, ऊपर की तरफ, मतलब अपवर्ड में, ठीक है ना, डाउनवर्ड में नहीं लगी। तो आपको स्पर्श इस तरह से करवाना है, थोड़ा सा मतलब यहाँ डिफर्ट करवाना है और यहाँ डिफर्ट करवाना है, ठीक है ना, इससे क्या होगा, ये आपका आर जो लगेगी आपकी ऊपर की तरफ लगेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों करते हैं, अब उसके लिए क्या करेंगे, हम सी एंटर करते हैं, और यहाँ पे टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस का ऑप्शन आ रहा है, तो TTR एंटर करेंगे। इस पॉइंट पे हम टेंजेंट कराएंगे और थोड़ा सा इधर चलेंगे टेंजेंट, और रेडियस कितना दिया आपका 70, एंटर कर देंगे, ठीक। अब मुझे जिसे नहीं देखना उसको मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ मतलब यहाँ पर इंटरसेक्शन लाइन को मैं ट्रिम कर दूंगा, और इसको सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब इधर देखिए क्या है, इधर भी आपका टेंजेंट लगा हुआ है 32 रेडियस का, ठीक है। तो मैं सी एंटर कमांड में तो ऑलरेडी हूँ, सॉरी इरेज कमांड ले ली थी हमने, तो मैं सी एंटर करता हूँ और TTR एंटर करूँगा, ठीक है, एंटर क्लिक। और देखिए यहाँ पे सिंबल भी आता है, डिफॉल्ट टेंजेंट लिखा हुआ, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, मतलब आपको सारी बातें बताते रहता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना, आप गलत कर रहे हैं, सही करें, इसीलिए इसके अंदर मतलब जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। अब ये 32 एंटर कर देंगे, ठीक है, TTR, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, उतनी नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे आप, ठीक है दोस्तों। और कहीं भी आओ, अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको डिटेल में मतलब कैसे भी मतलब फ़ोन करके, आप मोबाइल नंबर भी दे रखा है मैंने, ठीक है, अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो वहाँ से आप पिक करके, नहीं तो अगर आप कमेंट कर बताएं, मैं आप जो नए नए वीडियोज़ अपलोड करूँ उनके अंदर भी नंबर दूंगा अपना, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई इशू ना आए, कोई भी इशू आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखिए फिर मैं एल एंटर करता हूँ, और इस पॉइंट से, सॉरी देखिए एल एंटर किया मैंने, और इस पॉइंट देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा, मीन्स डायगोनल लाइन टेपर्ड हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, डिफर टेंजेंट देखिए इसमें भी एकदम सेम ऐसी है, ठीक है, हो गया। अब लास्ट में क्या देख रहा हूँ मैं इसके अंदर, मैं क्या करूँगा, ग्रेडिएंट कमांड, मीन्स कलर मिक्सिंग, कलर मिक्सिंग हो रखी है आपकी, तो मैं कलर मिक्सिंग के लिए क्या करूँगा, हैचिंग कमांड, हैचिंग की सब कमांड है ग्रेडिएंट, तो हैचिंग के लिए मैं एच एंटर करता हूं, थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों आने में, इसको लोड होने में। अब यहां पे देखिए पैटर्न, ये मेरे बहुत सारे मतलब इसके टैब खुले हुए हैं, ठीक है ना, यहां पे ये पैटर्न है, पैटर्न की जगह मुझे क्या करना है, ग्रेडियंट कलर ब्लू हो रखा है, अगर आप वो चेंज करना चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखिए ग्रेडिएंट कलर 1 है और ये ग्रेडिएंट कलर 2 है, ठीक है ना, आपको कौन सा कलर चाहिए आप इस पर क्लिक कीजिए, आप कोई सा भी कलर यहाँ पे पिक कर सकते हो, ठीक है, मोर कलर चाहिए तो यहाँ से मोर कलर के ऑप्शन में जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे और भी कलर आपको आएंगे, ठीक है ना, अभी फिलहाल मुझे यही कलर चाहिए। आप देखिए यहाँ पे कैसे अकॉर्डिंग टू ड्राइंग मैं इस पर कलर कर देता हूँ, ठीक, एंड देन ओके। अब देखिए मैं सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, देख सर्कल ताकि आपको बढ़िया से स्पेसिफाई हो सके कि हाँ ये सर्कल का मेरा सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए एक और तरीका है आपका, जैसे कि मान लीजिए डी एंटर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे डी एंटर करता हूँ और मॉडिफाई में जाऊँगा, प्राइमरी यूनिट्स में जाता हूँ, नहीं सॉरी सर लाइन्स में जाएंगे, और लाइन्स में देखिए यहाँ पर आपका सेंटर मार्क का ऑप्शन है, नहीं यहाँ पर सिम्बल एंड एरोज में जाएंगे, यहाँ पे देखिए सेंटर मार्क का ऑप्शन आया मार्क, ठीक है, देखिए मार्क अभी आपका इतना छोटा है, ठीक है ना, छोटा दिख रहा है, मुझे इसे बड़ा कर देता हूँ, मान लीजिए मैं इसको 6 mm का कर देता हूँ, तो देखिए मार्क तो आप कितना बड़ा हो गया, बाकी सब डायमेंशन छोटी हो गई, तो बाकी सबको भी मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए इसको टेक्स्ट हाइट में इसको 8 का करता हूँ, ठीक, एरो साइज को मैं एरो साइज बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए 4 का करता हूँ एरो साइज, ठीक है। फिर लाइंस पे जाता हूँ, जो एक्सटेंशन बियॉन्ड डायमेंशन लाइन है उसको मैं
तीन करता हूँ। देखिए इसका मतलब क्या, एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, जो हमारी डायमेंशन लाइन होती है, जैसे कि ये जो लाइन होती है ये क्या होती है, डायमेंशन, ये प्रीव्यू दिखा रही है हमारा, जो मतलब जो मैं चेंजेस करूँगा वो दिखेगा कैसे। अभी तो वैसे मैंने कोई डायमेंशन नहीं दिखाया हुआ है, बट मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, करके थे ये, देखिए ये आपकी डायमेंशन लाइन है, ठीक है, तो ये डायमेंशन लाइन कितनी एक्सटेंड होनी चाहिए वहाँ से, और ये आपकी क्या होती है, एक्सटेंशन लाइन होती है, ठीक है ना, और ये क्या आपका ऑरिजिन है, ऑरिजिन से मुझे कितना ऑफसेट चाहिए, ऑरिजिन मतलब ये हो गया, मतलब ऑरिजिन से ये कितना दूर चाहिए, ठीक ना, तो ऑरिजिन से इसको मैं दूर कर देता हूँ, मान लीजिए इसको भी मैंने तीन कर दिया, देखिए ऑरिजिन से ये ऑफसेट हो गया, ठीक है, तीन तीन ऑफसेट हो गया, ठीक है, एंड देन ओके, और हमारा सेंटर मार्क हमने कितने का किया है, सेंटर मार्क कर रखा है हमने 6 का, ठीक है, सेट करंट करेंगे क्लोज, ठीक, डी एंटर, मॉडिफाई, ठीक है, आपने देख लिया वहाँ पे चेंज हो गए आपके। अब मैं यहाँ पे इसकी डायमेंशन दिखाता हूँ, हमें मुझे इसकी कौन सी डायमेंशन चाहिए, डायमीटर, जैसे कि तो मैं इसका डाया दिखाता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखिए सिंबल के साथ दिखा रहा है सेंटर, ठीक है ना। अब इसी तरह सिमिलरली मैं ये डाया 60 हो गया और ये हो गया, बहुत ही नीट एंड क्लीन डाया, मतलब ड्राइंग आपकी बन रही है, ठीक है ना, मतलब ये लोग देखते हैं कि मतलब आप कितनी नीट एंड क्लीन और इजी वे में और कितनी फास्ट आप उस ड्राइंग को बना रहे हैं, ठीक है, तो और मुझे और क्या चेंज करने, और मैं क्या देख रहा हूँ, थोड़ा सा अंगली लग रहा है मेरे को कि ये पॉइंट के बाद बहुत सारे डेसिमल पॉइंट, मतलब जीरो के पॉइंट दिखा रहे हैं, ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद, तो मैं इसको मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, डी एंटर करता हूँ, फिर से मॉडिफाई में जाऊँगा, और ये आपका आपका था प्राइमरी यूनिट्स, ये होती है प्रिसीजन वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे हमें कम से कम जीरो की प्रिसीजन चाहिए, आप प्रीव्यू में देख सकते हैं ये बिल्कुल वैसा हो गया, ठीक है ना, एंड ओके, एंड करंट में सेट करेंगे जो भी चेंज करूँगा मैं, और क्लोज करूँगा, ठीक है, ये देखिए हो गया आपका, बहुत ही नीट एंड क्लीन डायग्राम लग रहा है मेरा, ठीक है। फिर से अगर मुझे मान लीजिए अगर डाया की जगह उसका रेडियस चाहिए, तो मैं रेडियस के आइकन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मान लीजिए मुझे इसका रेडियस 17 दिखा रहा है, ठीक है, फिर मैं आते हैं, फिर हम आएंगे इसका रेडियस हमें 12, फिर मैं बस एंटर ही कर दूंगा क्योंकि मैं तो कमांड में ऑलरेडी हूँ, ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बता रखा है, और ये देखिए एरो का भी साइज कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, तो बहुत ही नीट एंड क्लीन डायग्राम बना है। अब यहाँ पे इसका भी इसमें हट चेंज कर देता हूँ, ठीक है, वैसे मैंने दोस्तों कहा था कि मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा इसकी, कोई बात नहीं, आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा, ये आपका रेडियस 70, ठीक है, हो गया। अभी देखिए ये सेंटर पॉइंट क्यों शो कर रहा है, क्योंकि इसको डिलीट कर देते हैं, अगर इसको डिलीट करेंगे तो ये पूरा ग्रेडियंट ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये डायगोनल लाइन थी हमारी, ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस अगर मेजर करनी हो तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ से हम अलाइन डायमेंशन में जाएंगे, ठीक है, किस पे जाएंगे, अलाइन पे, क्योंकि लाइन हमारी क्या है, टेपर्ड है, स्ट्रेट तो है नहीं, ठीक है, लीनियर तो है नहीं, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 102 की है आपकी, मीन्स 102 mm, ठीक है, यूनिट हमारी mm में चल रही है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को बढ़िया समझ में आया हो, और आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, तो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल ECM ट्यूटोरियल से जुड़े रहिए। तो धन्यवाद इंजीनियर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।